दोस्तों राम सेतु पुल जो कि पानी पर हजारों साल पहले बनाया गया था और तब पानी में पत्थर भी तैरने लगा था। जब वानर सेनाओं ने पत्थर पर राम नाम लिखकर पानी में फेंका जिससे पत्थर पानी में तैरने लगा था और जब यह बात लंकावासियों तक पहुंची तो उन्होंने रावण को बताया कि एक मायावी इंसान लंका की ओर आ रहे हैं जिनके नाम से पानी पर पत्थर भी तैरने लगते हैं। तब रावण ने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे नाम से भी पानी में पत्थर तैरेगा। तब रावण ने समुद्र तट पर जाकर पत्थर पर रावण लिखकर पत्थर को पानी में फेंक दिया और पत्थर पानी में तैरने लगा। इसे देखकर सब लंकावासी हैरान थे। तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से पूछा कि यह आपने कैसे किया। तब रावण ने कहा कि मैंने पत्थर को धीरे से बोला कि सौगंध है तुझे श्री राम की, तू पानी में तैर जाके, और भगवान श्री राम का मान रखने के लिए पत्थर भी पानी में तैरने लगा था। बोलिए जय श्री राम।